नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए आरओ 2021 का एग्जाम है 1 अगस्त 2021 को। अभी आपके पास कुल मिला के 90 दिन तो पूरे पूरे हैं, मतलब 3 महीने पूरे पूरे हैं, प्लस अप्रैल के भी करीबन 15-20 दिन है, 100 से ज्यादा दिन है, काफी ज्यादा सफिशियंट टाइम है अभी भी आपके पास। आरओ की पूरी तैयारी अगर एकदम शुरुआत से भी करनी है तब भी हो सकती है पूरी की पूरी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी पूरी की पूरी प्री की तैयारी कर सकते हैं। और चूंकि इसका मेज जो 18 दिसंबर को है उसके लिए भी बहुत सफिशियंट टाइम दिया है, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 17 दिन उधर, यानी कि आपके पास 100 दिन से ज्यादा उधर भी है। आराम से पूरी तैयारी प्री की भी और मेंस की भी करी जा सकती है। देखिए अब इसमें समझिए ये कि भैया प्री में इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का जिसमें रीजनिंग भी आती है, एक होता है आपका 60 नंबर का हिंदी का। कट ऑफ जो है जनरली आरओ का 130 के आसपास, 135 के आसपास जाएगा, यही इतनी संभावना बनी रहती है। निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है इसलिए, ठीक, 130-135 के आसपास जाएगा। मतलब आप अगर अपना टारगेट सेट कर लो कि एटलीस्ट मुझे 140 से 145 लाने हैं तो आराम से पूरा फोकस होकर तैयारी आप कर सकते हैं। प्रायोरिटी आपको कहां कहां रखनी चाहिए वो समझिए। 60 नंबर की आती है हिंदी, क्योंकि पेपर ही पूरा एक होता है 60 नंबर का, सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए हिंदी। और हिंदी में 60 में से 60 नंबर लाए जा सकते हैं, कई लोगों ने लाए हैं। अगर आप हिंदी में 55-56 भी ले आओ तो भी काफी सेफ स्कोर माना जाता है, 54-50 के ऊपर भी मतलब ले आओ तो ठीक ठाक पोजीशन रहती है उसमें। और लोग कर लेते हैं ये क्योंकि हिंदी में सिर्फ 6 सेक्शन है ग्रामर के, वही रटने हैं आपको, उन्हीं में से आ जाएगा। एक हमने पापा वीडियो बनाया हुआ है हिंदी का, उसको भी अगर आप देख लो, पिछली बार उसको देख के लोग 56-57 क्वेश्चन करके आए हैं, 2-4 शब्द उसमें, उसके बाद नए आ गए हैं कई सारे और एग्जामों में, वो हम जो है अपडेट करके शायद उसको फिर से अपडेट करेंगे, लेकिन ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा ज्यादा ज्यादा 15-20 शब्दों का, वो हम अलग से भी फ्री टेलीग्राम में दे देंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, हिंदी। 100 दिन में आपको डेली कम से कम आधा घंटा जो है हिंदी को जरूर देना चाहिए, जरूर से जरूर देना चाहिए। या फिर आप हिंदी की बुक भी ले सकते हैं, हरदेव बारी की भी आती है, पीएन पांडे की, और भी कई सारी बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की भी आती है, उससे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे कर लीजिए। लगातार लिख लिख के करिए तो ज्यादा फायदा रहेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका सेक्शन है करंट अफेयर। करंट अफेयर के टोटल मिला के, करंट अफेयर का मतलब हो गया एक साल का करंट अफेयर, प्लस जो है यूनियन बजट 2021-22, ठीक है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लस यूपी बजट 2021-22, इन सभी को जोड़ के अगर आप जोड़ दो और एक साल का करीबन करंट अफेयर जोड़ लो तो इससे मिला के 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल करंट अफेयर के आते हैं करीबन 20-25 क्वेश्चन, 25 के आसपास, और 10-12 के आसपास आ जाते हैं इकोनॉमी के। इकोनॉमी के ज्यादातर करंट ही के पूछ लेते हैं, ठीक है, तो 35 से 40 क्वेश्चन आप यहां से सही कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर का कोई सब्सटीट्यूट यूपी पीसीएस के लिए नहीं मिलेगा, यूपी पीसीएस के लिए हमारा फोकस्ड होता है कि हम सिर्फ फोकस करते हैं यूपी पीसीएस पे ही, ठीक है। इसीलिए देखिए मार्केट में कई सारे तरह के आपको करंट अफेयर की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कंप्लीट आपके क्वेश्चन उससे नहीं सही हो पाएंगे। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको 5-6 जगह के देखने पड़ेंगे। तैयारी करते टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि भैया आप 10 जगह का मटेरियल पढ़ो, 1 जगह का पढ़ो। हमारे चाहे फ्री के साथ हो, हमारे साथ मतलब फ्री वीडियो देखते हो, टेलीग्राम देखते हो, फ्री पिक्स देखते हो, प्लेलिस्ट देखते हो, चाहे आप हमारे पेड ग्रुप में हो, बस इतना कर लीजिएगा काफी है। 1 अगस्त को पेपर होने वाला है, यानी कि अगर आप देखें तो 1 सितंबर से पूरा अभी तक का कर लें, 1 सितंबर से 15 जुलाई तक का भी कर लें, 1 सितंबर 2020 से बोल रहा हूं, 15 जुलाई 2021 तक का, इतना काफी सफिशियंट रहेगा, ठीक है। इवन अगर आप जो है देखिए एक साल का टोटल आता है, लेटेस्ट 9 महीनों में से करीबन 90% हो जाता है, और लेटेस्ट 7 महीने 6-7 महीने में करीबन 75% तक हो जाता है। इवन अगर आप 1 जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2021 तक भी कर ले तब भी आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के सही हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सेक्शन है, 35-40 क्वेश्चन है टोटल मिला के। क्योंकि एक तो नॉर्मल करंट अफेयर होता है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्कीम, स्पोर्ट, पर्सन इन न्यूज, प्लस जो है ऑडिटोरी समिट, वो सब होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ हिस्ट्री में भी मान लीजिए कुछ हो गया, इवेंट हो गई, कोई ज्योग्राफी में हो गया, कोई पॉलिटी में हो गया, उससे रिलेटेड करके देते हैं। इकोनॉमी तो पूरा का पूरा करंट ही आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे सेक्शन है रीजनिंग। अगर आप साइंस साइड पढ़े हुए हैं तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से 15-16 आते हैं, आराम से कर लोगे, बिल्कुल इनके फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं, वही डायरेक्शन के सवाल पूछेंगे, ठीक है, जो रिलेशनशिप के सवाल पूछ लेंगे आपसे, नंबर पैटर्न के सवाल पूछ लेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल या रेक्टेंगल निकालने को पूछ लेंगे, तो चीन कोड दे देंगे, उसका नंबर दे देंगे, फिर नेक्स्ट कोड पूछ लेंगे, बहुत सिंपल होते हैं। इवन आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लोगे तो आपको आराम से अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप साइंस साइड के नहीं है तो फिर आप दूसरी जगह फोकस कर लीजिए, जैसे आप भूगोल पर फोकस कर सकते हैं। भूगोल का पेट पैटर्न है, आरओ के एग्जाम 20 से 25 सवाल जरूर आते हैं। अगर आप देखिए पीसीएस वाले में भी जितने आते हैं, पीसीएस वाले में भूगोल से 20-25 के आसपास आ जाते हैं, आरओ में जबकि 140 सवाल आएंगे जीएस के पेपर में, 60 आएंगे हिंदी वाले में, फिर भी भूगोल सबसे ज्यादा पूछते हैं, हिस्ट्री के बराबर वेटेज है भूगोल का, ठीक है। तो रीजनिंग अगर आप कवर नहीं कर पा रहे तो बाकी जगह कर लो। तीसरा मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब हो गया सेंसस 2011, अभी 2021 आया नहीं, क्योंकि प्लस जो है अर्बनाइजेशन वाला डेटा होता है, प्लस इसमें जो है और भी रिपोर्ट होती है, जैसे आईएसएफआर का डेटा हो गया 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट, यूपी का आईएसएफआर हो गया, 20th लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, टाइगर सेंसस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनके हेडक्वार्टर, उनसे रिलेटेड हेड जो हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर का डेटा हो गया लेटेस्ट, मिनरल का डेटा हो गया लेटेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितने भी हैं ये सब आपका मिसलेनियस है, और ये बहुत ही सिंपल है। हमने पिछली बार जो एक मिसलेनियस का पापा वीडियो दिया था उसको हम देखिए उसमें से थोड़ा बहुत अपडेट है, उसको हम क्या करेंगे, वो जितना अपडेट होगा वो अलग से दे देंगे टेलीग्राम में पिक्स के माध्यम से, और या फिर उस पर वीडियो बना देंगे, 10-15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। थोड़ा बहुत देखिए एग्रीकल्चर का अपडेट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में डेटा थोड़ा चेंज हो गया है, एक एसआरएस की रिपोर्ट आती है जिसमें आईएमआर एमआर सब आता है, तो इसका डेटा थोड़ा चेंज हो गया है, प्लस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इन सबके जो हेडक्वार्टर होते हैं जो है कई बार
ये जो हेड होते हैं इनके वो बदल जाते हैं या फिर नंबर ऑफ मेंबर बदल जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसका अलग से भी अपडेटेड दे देंगे अगर आप बोलिए कमेंट करके, तो हम पूरा का पूरा जो भी है नया मिसलेनियस का पापा वीडियो ही दे देना है अपडेटेड। हालांकि वही वाला आप देख डालिए, अभी के लिए यही जरूरी है कि वो देख डालिए, उसमें जो भी चीजें अपडेट हुई है ज्यादा से ज्यादा वो 15-20-30 फैक्ट है बस, ठीक है, वो हम अलग से दे देंगे आपको फिर टेलीग्राम में। अगर आप बोलेंगे तो उसका अलग से जो है अपडेट जितने भी हैं उनका वीडियो बना दे देंगे या फिर पूरा भी दे देंगे, लेकिन कर कहीं से जरूर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हिंदी करंट रीजनिंग और ये जो है अगर आप मिसलेनियस देख लो तो भैया 60-35 यानी कि हो गया 95-35 अगर आप करेंगे मानो, सिर्फ 35-40 आ जाते हैं वैसे, रीजनिंग में 15-16 आते हैं, 110 मिसलेनियस हो गया 10, 120 नंबर तो इसी में हो गया। अभी आपने साइंस तो पढ़ी नहीं है, अभी आपने भूगोल वाला भी है देखना है, तो भूगोल के करीबन 20-25 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल पे आप फोकस कर लीजिए, ठीक है। भूगोल में सिर्फ जो है आप या तो बरनवाल की बुक ला के पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी भी पढ़ सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो है यूट्यूब में हमारे वीडियोज पढ़े हुए हैं भूगोल के, बरनवाल का समरी पापा वीडियो आप देख लीजिए, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन पापा वीडियो, लिस्टिंग पापा वीडियो, इन तीनों में कवर हो जाएगा। पेड ग्रुप में जो पीडीएफ दी गई उतना पढ़ लीजिए बस। अभी यूपी स्पेशल मैंने बात नहीं करी, यूपी जीके आती है उसी में यूपी करंट हो गया, उसी में बजट भी हो गया, करीबन 12-14-15 सवाल तो इसी से आ जाते हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे इसमें, एक करंट अफेयर का अभी आपको दे देंगे अपडेट, अभी हमने दिया हुआ है जनवरी तक करके दिया हुआ है यूपी करंट अफेयर का, यूपी का बजट दे ही चुके हैं, यूपी जीके का पापा दे ही चुके हैं, उसका कुछ अपडेट है वो हम आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, उसकी जो अपडेटेड पीडीएफ है वो हम अपने पेड ग्रुप में देंगे और कोशिश करेंगे कि उस पे पापा वीडियो बनवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ये मतलब आप कहीं से जरूर पढ़ लीजिएगा। भूगोल 20-25 नंबर क्या है कि भूगोल को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटी बहुत सरल है, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक लिस्टिंग पापा वीडियो आने वाला है, बस उसको देख डालिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं। पढ़ने को चाहे तो आप लिस्टिंग गांधी बुक पढ़ सकते हैं। साइंस एनवायरमेंट अगर आप देखें तो साइंस एनवायरमेंट का भी कंपाइलेशन लिस्टिंग भी अगर पापा देख लीजिए बहुत सफिशिएंट है, इतना कर लेंगे कि आप आराम से साइंस और एनवायरमेंट के सिर्फ अगर वो भी देख लें 80% के आसपास क्वेश्चन उसी से सही हो जाएंगे। और फिर लास्ट में हिस्ट्री कर लीजिए, हिस्ट्री में भी जो है लिस्टिंग वाला ज्यादा फोकस करिए, लिस्टिंग और कंपाइलेशन पे, ये मैंने एक ऑर्डर बताया है पूरा। इसके अलावा देखिए अगर आपको मैं बता रहा हूं 1 अप्रैल 2021 के बाद की फ्री टेलीग्राम जो पिक्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, आप अगर वो भी पूरी देख लिए, अभी हम लोग यूपीपीसीएस में बहुत भयानक तरीके से रिवीजन कराना चालू कर दिए हैं, बहुत तेजी से जो पिक्स का मैराथन चालू हो चुका है, टेलीग्राम में आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और इस बार कुछ बदलाव दिख रहे हैं कि नहीं, पूरी पूरी जो है टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हम लोग पिक्स में, आपने देखते जाइए 1 अप्रैल 2021 के बाद की सारी पिक, वहां पे आपको अगर इतना भी फॉलो कर लिया आप आरओ में, देखो हिंदी तो आप 60 नंबर उसी पापा वीडियो कवर कर लोगे, बाकी आपको बच्चे कितने करीबन 80 क्वेश्चन नंबर वाला नहीं, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है, 140 में से 80 क्वेश्चन जो जीएस वाले हैं वो उसी टेलीग्राम के पिक से ही आ जाएंगे, बस आप फॉलो अगर कर लो ठीक से, तो टेलीग्राम के पिक्स प्लस हमारी आरओ की प्लेलिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट, ये तीनों अगर फॉलो कर लिया आराम से आपका आरओ क्लियर हो जाएगा, बस पूरा डेडिकेटली फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट अपडेट देखने पड़ेंगे। दूसरी चीज है कि आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी लेटेस्ट एक ग्रुप चल रहा है 18 मार्च से और नया ग्रुप हम लोग चालू करने वाले हैं 20 अप्रैल या 25 अप्रैल के आसपास तक चालू करेंगे, एक दो दिन में फ्री टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऑल द बेस्ट जय हिंद, कोई और चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।